हाय गाइस, एक्सप्लोर राइडर हियर, वेलकम बैक टू द चैनल। एक्चुअली आज मेरे पास है ये सुपर सेरामिक कोटिंग का, एक्चुअली ये है मैट कलर के कोटिंग के लिए। आई ऑर्डर इट फ्रॉम दैट सुपर सेरामिक कोटिंग साइट। इट्स अराउंड 1450 रुपीज़ इसका जो प्राइस है। बॉक्स में अभी देखते हैं क्या क्या है बॉक्स कंटेंट। आपको एक माइक्रो फाइबर जो क्लॉथ होता है वो मिलेगा। ये एक्चुअली अगर आप ये सब चीज़ 1450 रुपीज़ COD ऑर्डर करोगे तो ये चीज़ नहीं मिलेगा। अगर आप ये प्रीपेड ऑर्डर में करोगे तो ये चीज़ आपको एज ए प्रोमोशनल ऑफर में ये दिया जाएगा। सो दिस इज़ द थिंग। ये थोड़ा सा कुछ पेपर वर्क है, कुछ इंस्ट्रक्शन ये भी है। ऐसा ही आपको ये जो है कि ये क्लॉथ मिलेगा और ये जो स्पॉन्ज है इधर आपको, और एक चीज़ ये आपको एक ग्लव्स मिलेगा इधर से, एंड दैट माइक्रो फाइबर क्लॉथ। दिस इज़ ऑल अबाउट दैट यू कैन से सेरामिक कोटिंग ये। सो अभी मैं मेरा गाड़ी एकदम क्लीन कर लिया, आप देख लो। पैटॉक में भी मैंने डाल दिया, ग्लव्स पहन लिया फॉर अप्लाइंग दैट सेरामिक कोटिंग। सो ये देखो सेरामिक कोटिंग। एक्चुअली मैंने बोला ये 9 इंच बेस कोटिंग है तो मैट कलर के लिए। सो आपको क्या करना होगा, ये जो स्पॉन्ज आपको मिलेगा, ये स्पॉन्ज में आपको ये जो ब्लैक कलर का जो क्लॉथ मिलेगा आपको ऐसे कवर अप करके इधर जो मतलब जो सॉफ्ट वाला सरफेस है इधर आपको 4 ड्रॉप्स देना होगा। देखिए ऑलरेडी मैंने 1 ड्रॉप दे दिया, अभी 2 3 4 ड्रॉप मैंने दे दिया, हम देख सकते हो इधर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस सर्फिस में मैं कर रहा हूँ इधर, ठीक है। अब देखो पहले आपको ऐसे 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 एंड ऐसे, हालांकि और थोड़ा सा ड्रॉप लेने का मुझको ज़रूरत है तो मैंने सिर्फ यही सर्फेस करने के लिए मैंने अभी वीडियो कर रहा हूँ, उसके बाद मैं पूरा गाड़ी करूँगा ऐसे करके। तो एक सर्फेस के लिए मैंने सिर्फ ये वीडियो कर रहा हूँ, नहीं तो वीडियो लेंदी हो जाएगा। देख लो इधर थोड़ा सा अभी मतलब वेट सा हो गया है, तो ये अगर सूख जाएगा उसके बाद मैं दूसरे चारों तरफ करूँगा। और ये 2-3 मिनट के बाद मैं इधर जो माइक्रोफाइबर जो क्लॉथ है इससे मैं ये रब करके ऐसे करके क्लीन हो जाएगा। एंड इससे 24 आवर्स के बाद फिर से एक बार मैं मुझको कोटिंग करना पड़ेगा, मतलब 2 कोटिंग हो जाएगा तो गाड़ी कम्प्लीटली सेरामिक कोटिंग प्रूफ है। अगर हाई वाटर प्रेशर से ना वॉश करो तो 1 साल चलेगा। तो लेट्स सी क्या होता है। अभी के लिए ये थोड़ा सा मैं सूखने देता हूँ 1-2 मिनट, उसके बाद इधर इस साइड इस पोर्शन को मैं रब करूँगा। सो लेट्स सी। तो सॉरी टू से वन थिंग, एक्चुअली मैंने बोला था 4 ड्रॉप्स इधर काफ़ी है, बट मैंने देखा मतलब एक्चुअली मैंने एक वीडियो पे ही देखा था 4 ड्रॉप्स इधर देने के देना है उसके बाद आप रब करो, बट 4 ड्रॉप्स नहीं, आप देख लो मतलब 6 ड्रॉप्स 8 ड्रॉप। मुझको तो 6 से 8 ड्रॉप्स के आसपास मुझको लग रहा है, मतलब ये चीज़ पूरा जो है ये वाला जो चीज़ पूरा वेट होना चाहिए ये सेरामिक कोटिंग से, उसके बाद आप ऐसे रब करो। अभी मैंने ये पोर्शन जो है ये पोर्शन और ये पोर्शन ऑलमोस्ट कर दिया, ऑलमोस्ट सूख भी गया है नियरली। तो अभी मैं ये जो माइक्रोफाइबर टॉवल है इससे रब करूँगा। सो लेट्स सी। इधर मैंने किया है जो कोटिंग और इस साइड पे अभी नहीं किया, तो अब देखो इधर थोड़ा सा डालनेस है और इधर थोड़ा सा साइन दे रहा है। अब देखो इधर देखो इधर देखो थोड़ा सा डिफरेंस है थोड़ा सा, बट मुझको मालूम नहीं ये कितना देर तक मतलब कितना दिन तक चलेगा ये डिफरेंस, और मैं अभी तक तो एक ही कोटिंग किया हूँ तो
सेकेंड कोटिंग के बाद एक फाइनल जो रिज़ल्ट क्या आता है क्या नहीं, तो मैं वो चीज़ दिखाऊंगा। सो उसके लिए आपको मतलब लास्ट तक देखना होगा। सो ऐसे जो है मैंने प्रोसेस दिखाया, पहले इधर आपको जो मतलब फ्यू ड्रॉप्स देना है, उसके बाद नॉर्मल सा रैप करना होगा, ठीक है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे ऐसे ऐसे। सो इससे कोई भी सरफेस छूटेगा नहीं। तो ऐसे करने के बाद कुछ देर तक आपको रखना होगा, ये जो सिरेमिक कोटिंग है सूख जाएगा। उसके बाद वो जो माइक्रो फाइबर क्लोथ है उससे आपको रैप करके, मतलब जितना रैप करोगे उतना आपको ये गाड़ी चमकाएगा। सो हाय गाइस, आज एक्चुअली सेकेंड डे है, सेकेंड डे ऑलरेडी मैंने सिरेमिक कोटिंग कर दिया मेरे बाइक पे। सो ये देखो अभी भी इतना है बचा हुआ, और मेरा जो पंच है, पंच में मैंने क्लैरिंग पे ऑलरेडी कर दिया, तो उसके बाद भी इतना बचा हुआ है। तो हालांकि मेरा पंच में अभी सेकेंड कोटिंग नहीं हुआ, तो आई थिंक ये सेकेंड कोटिंग में ऐसा पूरा ही लग जाएगा, तो ये ख़त्म हो जाएगा। मतलब आप एक बोतल से ऑलमोस्ट दो बाइक या एक गाड़ी का थोड़ा क्लैरिंग पार्ट एंड एक बाइक कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं। एंड ये मुझको 1450 रुपीज़ में पड़ा। सो या एंड गाड़ी अभी तो थोड़ा सा चमक रहा है, आप देखो थोड़ा सा शाइन दे रहा है, बट यही देखने वाला बात है कितना दिन तक ये शाइन रहेगा। सो लेट्स सी। एंड एक बाइक मतलब ये KTM RC करने में मुझको ऑलमोस्ट 1.5 से 2 घंटा लगा एक कोटिंग करने में, और दोनों कोटिंग में ये मतलब मिला के चलो 3 से 4 घंटा आपको लगेगा, मतलब 2 दिन पे। सो ये एक बात है, और मतलब एक कोटिंग के 24 आवर्स के मतलब एक दिन के बाद अब दूसरा कोटिंग लगाओ गाड़ी पे। एंड कोटिंग हो जाने के बाद नियरली 3-4 दिन गाड़ी को मत मतलब बाइक या कार को मत निकालो, ये अच्छा है, क्योंकि नहीं तो धूल लग जाएगा एक कोटिंग पे, थोड़ा सा सूखने को लिए दो 3 से 4 दिन एटलीस्ट मिनिमम। सो यही एक बात है। एंड अभी मैं एक बार चेक करूँगा हाइड्रोफोबिक जो कोटिंग बोल रहा है ये कंपनी, कितना इफेक्टिव है क्या नहीं। सो इधर भी मैंने कोटिंग किया है, अभी देखो शाइन दे रहा है, तो इधर ही मैं थोड़ा सा हिस्सा पे मैं पानी देकर देखता हूँ, पानी रुक नहीं रहा है। एंड देखो थोड़ा सा ड्रॉपलेट करके इधर हो रहा है, तो यही है हाइड्रोफोबिक कोटिंग का थिंग। जस्ट मैंने कोटिंग किया, इसके लिए ज़्यादा मैं कर नहीं रहा हूँ, ये देखो पानी रुक नहीं रहा है। तो अभी के लिए इतना ही, 1 वीक के बाद मतलब बाद में मैं देखूँगा। और इधर आप देखो, इस साइड पे तो मैंने कोटिंग नहीं किया, तो इधर देखो और इधर आप देखो कोई भी पानी नहीं है। इधर देखो पानी मैंने एलॉय व्हील पे नहीं किया, क्योंकि एलॉय व्हील पे करने का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि इधर ज़्यादा धूल मिट्टी लगता है, तो इस साइड मतलब इस पोर्शन पे करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो मैंने इधर किया भी नहीं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दैट थिंग। मतलब KTM RC 390 BS3 मॉडल जो मैट कलर है, मैट कलर का कोटिंग। एंड आई थिंक यूट्यूब पे मैट कोटिंग जो है इस कंपनी का कोई भी अभी वीडियो आई थिंक शायद नहीं डाला है, तो लेट्स सी। एंड इसका रिस्पांस भी कैसे आता है, मतलब कितना दिन ये रहता है, क्या फीडबैक है क्या नहीं। तो अगर ये कोटिंग मतलब 2-3 महीने के बाद चला जाएगा, बट कोई भी नेगेटिव इश्यू आएगा तो मैं इसके ऊपर फिर से वीडियो बनाऊंगा, और अगर पॉजिटिव भी रहेगा तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा 6 महीने के बाद, लगभग 6 महीने के बाद। सो या लेट्स सी। सो और एक मैं वीडियो डालूंगा पंच के ऊपर, मतलब पंच में जो क्लैडिंग है और बम्पर वाला जो पोर्शन है उसमें जो मैट कलर आता है, एक्चुअली वो फाइबर मटेरियल है। सो उसमें ये जो प्रोडक्ट है ये कैसा मतलब शाइन दे रहा है, क्या फीडबैक है क्या नहीं, तो उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो डालूंगा, छोटा सा होगा 1-2 मिनट का छोटा सा क्लिप। मतलब सेम ही प्रोसेस है, इसमें भी जैसे अप्लाई करना है उसमें भी वैसे ही अप्लाई, तो अप्लाई वाला पार्ट मैं नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ दिखाऊंगा कि हाँ कैसे मतलब चमक रहा है, कैसे क्या है, कैसा मतलब क्या फीडबैक है क्या नहीं, तो वही चीज़। सो स्टे ट्यून फॉर दैट थिंग। या यूट्यूब में एक्चुअली मैंने देखा ये जो कोटिंग है इसका ऊपर सब लोग जो एप्लीकेशन और नॉर्मल सा वीडियो है जहाँ मतलब लगाने के बाद किया चमक है क्या नहीं, बट 6 महीने 1 साल के बाद किया रिव्यू है, उतना कुछ मैंने वीडियो देखा नहीं, तो इसके लिए मैंने डायरेक्ट पंच पे एक्चुअली नहीं लगाया था।
ये एक्चुअली मेरा ट्रायल था, जो हाँ दिखता हूँ क्या ऐसे क्या कंपनी का प्रोडक्ट कैसा है। सो अगर अभी तक के लिए तो ठीक है, बट मालूम नहीं क्या 2-3 महीने के बाद क्या रिएक्शन देगा, क्या अच्छा रहेगा क्या बुरा रहेगा। सो लेट्स सी क्या होता है। सो अभी तो 5 में 5 का क्लैडिंग में अभी करूँगा, तो अगर सब ठीक रहेगा तो 5 का नो मतलब नॉर्मल जो सिरेमिक कोटिंग है वो 5 में करूँगा, मतलब बॉडी पे। सो या दैट्स इट फॉर नाउ। थैंक यू एक्सप्लोर राइडर साइनिंग ऑफ।